तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएमबी स्निक्स और गोपाल स्निक्स में। तो मेरे दोस्तों, कल तो हमने दो सांप रेस्क्यू किए थे। एक जड़ुका गांव के नज़ीक वड़ी गांव है, और उस गांव में एक घर में दोपहर 3 बजे हमने एक कोबरा सांप रेस्क्यू किया था दोस्तों। और बहुत ही बिग साइज़ का है, आप देख सकते हो, इसमें वो कोबरा है तकरीबन 4.5 फीट का एक कोबरा है, और ये उससे भी बड़ा है, 5.5 फुट का ये कोबरा रहेगा दोस्तों। तो ये हमने कल रात 11:30 बजे पांगरी कुटे गांव में रेस्क्यू किया था। रामदास कुटे इनके घर के सामने गेहूँ की बोरिया थे दोस्तों, और उसमें ये कोबरा था। तो आप देख सकते हो चारों तरफ तपोन फॉरेस्ट एरिया है, तो आप देख सकते हो चारों तरफ तपोन का फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों। और हम इसे यहाँ आज दोपहर 12 बज चुके हैं दोस्तों अभी, तो हम इसे यहाँ रिलीज़ करने के लिए लाए दोस्तों। तो और ये सांप आपके नज़रों के सामने हम यहाँ रिलीज़ करेंगे दोस्तों, आज़ाद करेंगे जहाँ पर ये आराम से रह पा गया। तो ये जगह सांपों के लिए पूरी तरह अनुकूलित है दोस्तों, यहाँ पर ये सांप बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे मांत्रिक चाचा है दोस्तों, एक ग्राउंड किया जाता है और उसमें अगर सांप को डाल दिया जाता है दोस्तों, उसके बीच में कोबरा सांप को अगर उसके बीच में छोड़ दिया तो रिंग के बाहर वो नहीं जा सकता। तो सिर्फ उसके लिए दो मंत्र बोला जाते हैं दोस्तों, तो वो मंत्र मुझे उन्होंने बता दिया दोस्तों। तो वो मंत्र भी आपको बोल के दिखा देता है दोस्तों, वो आप मंत्र भी सुन लीजिएगा, और उस मंत्र से कोबरा सांप उस रिंग के बाहर नहीं जा सकता, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। लग रहा है कि देखते आप वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि ऐसे में खतरा होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, तो ये सांपों का कोई खेल नहीं दिखाया जा रहा है दोस्तों, इसके इसमें कोई स्टंटबाजी नहीं होगी। इस वीडियो का आप गलत अर्थ मतलब ना निकालें, क्योंकि जो भी है, जो भी दिखाया जा रहा है दोस्तों, वो आपके लिए है, अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए। सांप किसी के वंश में नहीं हो सकता, सांप पालतू नहीं हो सकता दोस्तों, सांपों के दिमाग में मेमोरी नहीं होती। इंसान के दिमाग में मेमोरी होते है दोस्तों, वो इंसान सोच सकता है, इंसान बोल सकता है, इंसान बदला ले सकता है, इंसान दूध पी सकता है, लेकिन सांप वर्ल्ड का, दुनिया का कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता, बदला नहीं ले सकता, आपको मेमोरी नहीं निकाल सकता। हम इंसान बदला लेने की संभावना रहती है दोस्तों, सांप नहीं। मान लो अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, नाग और नागिन एक जगह अगर उनका मिलन चल रहा है, और किसी भाई साहब ने अगर इसमें से उन दोनों में से अगर एक सांप को मार दिया, और वो आदमी थोड़ा सा बाहर चला गया दोस्तों, और 1 घंटे के बाद जो सांप जीवित है उसके सामने आकर अगर बैठ गया दोस्तों, तो वो सांप भूल जाएगा इसने मेरा साथीदार मार डाला। बिल्कुल नहीं, सांप कोई बदला नहीं ले सकता, और सांपों के पेट में एंजाइम नहीं रहता, कैल्शियम नहीं रहता दोस्तों, इसके वजह से सांप दूध हजम नहीं कर सकता। अगर और इसी बात का सपेरे लोग फायदा उठाते हैं दोस्तों, 10-15 दिन सांप को भूखा रखते हैं, उससे पहले सांप को पकड़ के ले आते हैं, उसके दांत निकाल देते हैं दोस्तों, इस जिसके वजह से वो खाना नहीं खा सक, और उसके बाद 7-8 दिन के बाद वो किसी गाँव में लेके जाते हैं, मंदिर के सामने बहुत सारे लोग जमा करते हैं, और लोगों के बीच में सांप को निकालते हैं, और बाद में वो सांप को दूध, सांप के पास दूध रखते हैं, और भूखेला जो भूखा सांप रहता है दोस्तों 10-15 दिन का, उसके सामने आप दूध नहीं जहर भी रख देंगे तो वो सांप पी सकता है। लेकिन सांप दूध पीने के बाद में 4 दिन के बाद 8 दिन के बाद वो सांप मर जाता है, क्योंकि उसके पेट में एंजाइम कैल्शियम नहीं होता, जिसकी वजह से दूध पीने के कारण उसके पेट में उस सांप को निमोनिया हो सकता है दोस्तों, बहुत खतरनाक बुखार आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो हाथ जोड़ कर विनती है दोस्तों, आपके आसपास सांप दिखाई दे तो दूध पिलाने की कोशिश ना करें, और सांप को पकड़ने की या मारने की कोशिश भी ना करें दोस्तों। सांप को पकड़ना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ही कोई सांप को पकड़ नहीं सकता। अब तो चलिए निकाल कर दिखाते हैं।
कि सांप किसी के वंश में हो सकता है, और आपके नजरों के सामने हम वो मंत्र भी बोलेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे हम हिंदी मराठी में नाग कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक रिंगन बनाया गया है दोस्तों, और जो सांप रहते हैं उसके सामने जो चीज हिलाई देती है दोस्तों, उसी के उस पर ये फोकस कर सकता है दोस्तों। और हम अभी मंत्र बोलेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये दूसरा कोबरा है, हम मंत्र बोलने को जा रहे हैं दोस्तों। हाँ था गोपाल दा कर लक्ष्य दे दी थी। तो ये दो कोबरा है दोस्तों, और आप देख सकते हो ये जो कोबरा है तो बहुत ही फास्ट है दोस्तों। छोटी साइज छोटी है, फास्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों कोबरा, तो ये रिंग में किसी के वंश में नहीं हो सकते दोस्तों, आज फिर से एक बार साबित हो चुका है दोस्तों। और ये सांप अपने पर्यावरण में रिलीज हो जाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हो ये जो कोबरा है मीडियम साइज का, तो वो अपने पर्यावरण में तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक कोबरा अपने आवरण में चला गया और ये दूसरा कोबरा तो ये दूसरा कोबरा देख सकते हो आप दोस्तों, ये भी अपने पर्यावरण में चला जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो एक बार फिर से साबित हो चुका है दोस्तों कि सांप किसी के आवास में नहीं रह सकता, किसी के वंश में नहीं हो सकता, सांप पालतू नहीं हो सकता, और मंत्र से सांप को रोका नहीं जा सकता दोस्तों। ये अभी रुक चुका है दोस्तों, खड़ा हो चुका है, तो इसका कारण है कि इसके सामने हम बैठे हुए हैं और उसको खतरा महसूस हो रहा है दोस्तों। तो जैसे हम इसके से दूर जाएंगे दोस्तों, तो ये सांप अपने आप चला जाएगा। थोड़ा सा वक्त ले सकता है दोस्तों, लेकिन ये ज़रूर जाएगा, क्योंकि किसी मंत्र का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, असर नहीं होता। मंत्र तो दोस्तों बहुत देर के बाद कोबरा अपने पर्यावरण में चला गया। तो दोस्तों आपने देखा एक कोबरा बहुत
10-15 मिनट, एक 4-5 मिनट में, 4-5 मिनट इस रिंगन में रहा और उसके बाद में चला गया दूसरा कोबरा। तकरीबन आधा घंटा तक इसमें रिंगन में रह चुका और उसके बाद में अपने पर्यावरण में चला गया इकड़े भाई। तो दूध का दूध और पानी का पानी हमने कर दिखाया दोस्तों। सांप को कोई वंश में नहीं कर सकता, मंत्र तंत्र का सांपों से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। देखो दर्शते वो अपने पर्यावरण में बहुत अच्छी तरीके से चला गया। तो सांपों को बचाने का, डर दूर करने का और जानकारी देने का सफर जारी है और ऐसे ही जारी रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि हर एक इंसान तक ये वीडियो जाना चाहिए दोस्तों और अंधश्रद्धा से लोगों का विश्वास उठना चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। साइड लगा।